बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इनफॉक्स टीवी और मैं हूं आपकी होस्ट ज़ैनब रॉय। नाज़रीन, आइए आज के दिलचस्प वीडियो का आगाज करते हैं। दज्जाल का मतलब है धोखा देने वाला। दज्जाल के और भी मुख्तलिफ नाम हैं, जैसे कि एंटी क्राइस्ट और द फॉल्स मसीहा। दज्जाल का काम दुनिया में फितना और धोखा फैलाना है। हर नबी के दौर में एक अलग अलग फितना था, मगर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का सबसे बड़ा फितना फितना दज्जाल है। ये दुनिया एक मोमिन के लिए इम्तिहान है, जिसमें सही और गलत का इंतखाब उसने खुद करना है। इस इम्तिहान में दज्जाल आजमाइश है, जिसके धोखे में आकर इंसान गलत को दुरुस्त समझ बैठता है और दुरुस्त को गलत, यानी दज्जाल के फितने से बचकर ही हम दुरुस्त राह पर चल सकते हैं। टीवी, म्यूजिक, इंटरनेट का गलत इस्तेमाल वगैरह एक तरह का दज्जाली अलाकार है। अब ये देखते हैं कि फ्री मेसन्स और एल्यूमिनाटी क्या है। ये उमरा का एक ऐसा गिरोह है जो 1776 में द सीक्रेट सोसाइटी के नाम से वजूद में आया। इनका मकसद पूरी दुनिया को कंट्रोल करना था, इसलिए उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक में अपने गिरोह के लोगों पर इन्वेस्ट करना शुरू किया और बड़े ममालिक के अहम सियासी लोग इन्हीं के गिरोह के थे। दुनिया का पैसा डॉलर की शक्ल में उन्हीं के गिरोह ने कंट्रोल किया। नाज़रीन, हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली अशिया, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो या तो इस ही गिरोह के किसी फर्ड की है या कई छोटी कंपनियां, दरअसल इन्हीं कंपनियों की सब कंपनीज हैं। यानी पैसा हर तरफ से इस गिरोह को जा रहा है, जिसे आज एल्यूमिनाटी गिरोह कहते हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री, टीवी और मीडिया असल में चंद बड़े गिरोह की मलकियत है और उनके मालिक भी इस ही गिरोह के रुकन हैं। अमरीका के कई सदर, जैसे कि जॉर्ज बुश का ताल्लुक स्कल्स एंड बोन्स नामी तंजीम से था, और ये तंजीम भी एल्यूमिनाटी गिरोह का हिस्सा है। यानी एल्यूमिनाटी ग्रुप पूरी दुनिया में अब अपने खुफिया मुफादात के हसूल के लिए पैसा और ताकत दोनों इस्तेमाल करती है। अब ये देखते हैं कि ये ग्रुप करना क्या चाहता है और ये किसके पुजारी हैं। अगर इस ग्रुप पर तहकीक की जाए तो मालूम होगा कि इस ग्रुप के भी कई दर्जे हैं। इब्तदाई दर्जे पर वो लोग हैं जो अभी नए इस ग्रुप में शामिल हुए हैं, और इसी तकून के टॉप पर चंद ऐसे अफराद भी हैं जो असल में शैतान और दज्जाल के पैरोकार हैं और इसके हिदायत के मुताबिक अपनी एल्यूमिनाटी तंजीम की मदद से दुनिया में दज्जाल फैला रहे हैं, ताकि दज्जाल की आमद के लिए रास्ता हमवार कर सकें। ये तंजीम दज्जाल को अपना मसीहा मानती है। इतना सब कुछ जानने के बाद ये कहा जा सकता है कि एल्यूमिनाटी ग्रुप आज के ज़माने के फिरौन हैं। जैसे फिरौन इंसानों को अपना गुलाम बनाकर अपनी पूजा करवाकर खुश होता था, इसी तरह एल्यूमिनाटी ग्रुप भी यही ख्वाहिश करता है, और इसी ख्वाहिश की तकमील के लिए इसने पहले दुनिया की दौलत और ताकत को कई सदियों की मेहनत से इकट्ठा किया और अब दुनिया को मीडिया और इंटरनेट के जरिए इखलाकी कदरों से बेजार और मजहब से दूर कर रहा है। नाज़रीन, दुनिया से रुपए पैसे को ख़त्म करके ये ग्रोह डिजिटल करेंसी को फ़रोग देना चाहता है 5G टेक्नोलॉजी से। दरअसल ये ग्रोह दुनिया के हर इंसान को अपनी दज्जाली आँख में रखना चाहता है। इन बताएगा मंसूबों की मुकम्मल तकमील के बाद ये ग्रोह चाहता है कि हर इंसान के जिस्म में एक RFID चिप दाखिल कर दी जाए और इंसान की ज़िंदगी का हर एक लम्हा इस ग्रोह की कैद में कर दिया जाए। जो लोग इस ग्रोह के शैतानी मंसूबों को तस्लीम करेंगे, उनकी RFID चिप एक्टिवेट रहेगी और वो दुनिया में ज़िंदा रह सकेंगे, और जो इनकी शैतानी शराइत को नहीं मानेगा, उसके RFID चिप को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और वो मुआशरे में मफलूज होकर रह जाएगा और तड़प तड़प कर खुद ही मर जाएगा। इन लोगों ने अपनी मौजूदगी की कई अलामत दी हैं, मगर हम समझ नहीं पा रहे। उनकी मौजूदगी की सबसे बड़ी अलामत डॉलर पर बने तकोन की है, जिस पर एक रोशन आंख मौजूद है। इस रोशन आंख और बाकी तकोन में थोड़ा सा फासला दिखाया गया है, यानी कि इन्हीं के मुताबिक दज्जाल के आने में थोड़ा सा ही वक्त रह गया है। इस गिरोह का मरकज इसराइल है और इसराइल के अतराफ में मौजूद सारे ममालिक में हर वक्त लड़ाई और जंग इसलिए बरपा रहती है ताकि दज्जाल का दारुल हुकूमत इसराइल ताकतवर रहे। और अब तो दज्जाली फितना सऊदी अरब के अंदर तक फैल चुका है। अब सऊदी अरब में भी नाइट क्लब्स और फिल्म फेस्टिवल्स शुरू हो गए हैं। जैसे फरिश्ते दुनिया में मौजूद हैं मगर अभी इंसान को नजर नहीं आ रहे, इसी तरह दज्जाल भी दुनिया में धोखे और फरेब की सूरत में मौजूद है मगर नजर नहीं आ रहा। दज्जाल तभी नजर आएगा जब इसके जहूर का वक्त पूरा हो जाएगा। तब तक अल्लाह आपको और हमें इसके फितनों और दज्जाल से महफूज रखे, आमीन। तो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और इनफॉक्स टीवी को सब्सक्राइब करें, और मुझे अपनी होस्ट ज़ैनब रॉय को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।